गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम से स्टार्ट हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ का पेपर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसकी बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपकी आने वाली परीक्षा में क्वेश्चंस रहेंगे। तो अपने पेपर जरूर सॉल्व करिएगा और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर, तो 100% चांसेस रहेंगे बोर्ड पेपर में ये आने की सीबीएसई के। तो आप फटाफट क्वेश्चंस देख लीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से पेपर डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व करिएगा। तो जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं मैथ के लिए, ये सेकंड टर्म्स का पेपर है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है, इसकी डिटेल्स भी आपको सॉल्व करके दिखाई गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में हैं, इसी तरह आप अपना पेपर पैटर्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका जो मैसेज है, जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप पेपर को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन करने के बाद इसकी मार्किंग जो है 40 मार्क्स की, वो आप ज़रूर बताइएगा कि इसकी मार्किंग, आपका स्कोर जो है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कितना रहा है। तो सभी क्वेश्चंस बहुत केयरली पढ़िएगा और उनके आंसर्स भी आप बहुत केयरली दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इनको सॉल्व जरूर करिएगा जाने से पहले एग्जाम से, क्योंकि ये फुल सिलेबस टर्म टू से आपके लिए क्वेश्चंस छाटे गए हैं जिनका आप जो है बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं इस समय में इनकी प्रैक्टिस करके। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसका भी आप देख रहे हैं कि डिटेल सॉल्यूशन दे दिया गया है पेपर में, ठीक है। तो इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे और इनका जो भी आपका स्कोर रहेगा 40 में वो आप बताएंगे। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है, अच्छे से डिटेल्स सॉल्यूशंस बताई गई हैं। तो आप जो है ये मैथ का पेपर जो टर्म्स टू का है, इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा और जो भी इसकी रिव्यू होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे रोज़ अपने चैनल से जुड़े रहें कि जिनको उनके नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।